नमस्कार, मैं अभी एमपी स्टेट में हूँ और एमपी स्टेट में बड़वानी करके डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे सेंधवा तहसील में मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ, प्रॉपर सेंधवा में ही। और यहाँ पे रविंद्र निकुम जी करके एक भाई को बहुत सारी तकलीफें थी और बहुत इलाज करवाया था इनका, फायदा होने ही वाला नहीं था, लेकिन हमारा प्रोडक्ट उन्होंने उनको मिला और उन्होंने इस्तेमाल किया, तो अभी आपके सामने ये है। लेकिन इससे पहले मैं पूछना चाहूंगा उनके पिताजी को और उनके भाई को कि रविंद्र निकुम जी को क्या हुआ था, कहाँ पे वो इलाज करवा रहे थे, कितने का इलाज हुआ और उसके बाद भी डॉक्टर ने क्या बोला था, वो मैं पूछूंगा उनको। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका नाम क्या है सर? सुभाष दत्तू निकुम। सर आपका नाम क्या है? दशरथ सुभाष निकुम। ओके, रविंद्र निकुम जी आपके क्या लगते हैं? छोटा भाई है सर। सर आपका क्या लगता है? छोरा है सर। ओके, और इनको क्या हुआ था सर, वो आप डिटेल में बताइए ना। ये मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट हुआ था? हाँ। ओके, एक्सीडेंट में सर पे पीछे मार लग गई थी। ओके, पीछे मार लगने के बाद में दुलिया लेके, ओके, दुलिया लेने लेके जाने के बाद में डॉक्टर ने बोला भैया सीरियस तबीयत है, ओके, आपका छोरा कोमा में चले गया है। ओके, कोमा में चले गए थे। और कितने दिन कोमा में रहे थे ये? कम से कम 20 दिन रहा सर। 20 दिन कोमा में रहे थे। फिर डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर ने बोला ये कि कोमा से कभी भी मतलब आज आ जाए कल आ जाए 20 दिन में कभी भी आ जाए। ओके, आंखें खोली, फिर 20 दिन बाद उसने आंखें खोली थी। हाँ हाँ। आंखें खोलने के बाद में वो एक हाथ और एक पैर उसका पैरालिस। ओके, पैरालिसिस हो गया था पैर में। कौन से हाथ और पैर में हो गया था? राइट वाला हो गया था। राइट वाला? अच्छा, राइट वाला। हाँ। ओके, राइट वाला पैरालिसिस हो गया था। हाँ। है ना। और फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद में इलाज चला। ओके, इलाज उन्होंने 28 दिन, एक सवा महीने तक वहां पर धुलिया में इलाज चला। सवा महीने तक धुलिया में इलाज चला। 11 लाख रुपए ले लिया वहां से। 11 लाख रुपए का खर्चा हुआ? 11 लाख। ओके, और फिर 11 लाख खर्चा करने के बाद आपके भाई की तबियत कैसी थी? कुछ नहीं थी, जो भी थोड़ी पे आगे खोली ली थी, एक तरफ का पैरालिस था, मतलब बिस्तर पे था। मतलब 11 लाख रुपया खर्चा करने के बाद भी इनको कुछ फायदा नहीं हुआ था? मतलब बिस्तर पे था, जो प्रोफेशनल फायदा होना था वो नहीं हुआ कुछ भी। ओके, और उनका कुछ, जब वो कोमा में चले गए थे तब उसके कुछ फोटो और वीडियोस भी आपने उतार के रखे हैं? तो मैं आपको, मैं दूसरे दर्शक मित्रों को बताता हूँ कि देखो ये कोमा में चले गए थे तब का ये फोटोज है, अलग अलग फोटोज है, और कोमा में से बाहर निकलने के बाद भी ये फोटोज है। नीचे करो, है ना, उनको कुछ नली भी लगाई हुई है, आप देख सकते हो नाक में नली लगाई हुई है, और दूसरा फोटो दिखाओ, गले में भी नली है, और कुछ वीडियो भी निकाल के रखे है। देखिये ये वीडियो भी है, मोबाइल घुमाओ आप, ये वीडियो भी है, वीडियो देखो, इनके वीडियोज भी है, ये देखो पूरे बेड पे पड़े हुए हैं, एक लाश की तरह बेड पे पड़े हुए हैं, और वेंटिलेटर पे रखा हुआ था इनको, है ना, और कुछ भी फायदा नहीं हो रहा था दवाई देने से। फिर आपने क्या किया? फिर हम नासिक ले गए, नासिक में फिर और उन्होंने आईसीयू में रखा। आईसीयू में रखा? नासिक में भी? नासिक में भी। ओके, वहां पर भी 1.5 महीने इलाज चला। ओके, इसे करके 2.5 महीने तक उसका इलाज ही चलते रहा। ओके, 2.5 महीने के बाद में 15 दिन मतलब 3 महीने के बाद में हम फिर उसको घर लाए। ओके, वो बोले ले जाओ, बोले आप घर ले जा सकते हैं, बोले जो अपने इलाज करा वो हो गया उसका इलाज। हाँ हाँ। उसके बाद में हम घर लाए। अब घर, तो घर जब लेके आए थे तब उनकी स्थिति कैसी थी? उसकी स्थिति वही बेड की स्थिति थी सर, मतलब बेड पे ही थे वो, बेड पे चल नहीं पाते। नहीं, चलने का कोई रोल ही नहीं था। ओके, नाक में नली थी। और वो आप लेके कुछ आए थे, टैक्सी में लेके आए थे? एम्बुलेंस से लेके आए थे। ओके ओके, और उसके बाद आपको ये नेचरामोर पाउडर मिला, किसने दिलवाया नेचरामोर पाउडर? ये मेरे साला देखने के लिए आया था। ओके, आपके साले जी यहाँ पे भी आए हुए हैं, जिनका नाम है गजानंद जी, जो बड़ौदा में रहते हैं। गजानंद जी आपको कैसे कैसे मिले और कैसे ये प्रोडक्ट आपने दिया? मुझे ये प्रोडक्ट बड़ौदा में, मुझे थोड़ा प्रॉब्लम था। ओके, आपको प्रॉब्लम था तो आपने लिया था? मैंने लिया था। ओके, फिर मैंने लेने के बाद मुझे अच्छा लगा, तो मैं जब इनको देखने आया, हाँ हाँ, तब मैंने इनको सजेशन दिया कि आप ये प्रोडक्ट यूज करो और इनको अच्छा होगा। ओके, फिर इनको मैंने ये प्रोडक्ट लाके, जब आपके साले साहब ने ये प्रोडक्ट दिया था तो आपको भरोसा था क्या? भरोसा था ही नहीं, धुले में लगाया, नासिक में लगाया,
मतलब आपको ऐसा लगता था कि 11 लाख रुपया खर्चा कर दिया और उसके बाद ये प्रोडक्ट क्या काम करेगा। हाँ। लेकिन आपके साले साहब ने, आपके संबंधी थे। हाँ। तो आपने एक भरोसा रखा और ये पाउडर आपने चालू करवाया। अभी कितना महीने तक आपने इस्तेमाल करवाया है? ये चार महीने हो गए। 4 महीने से इस्तेमाल करवाया है। अभी ये 6 डब्बे खत्म हुए हैं नेचरामोर प्लस के। नेचरामोर एक न्यूट्रास्यूटिकल फूड सप्लीमेंट्री है, ये कोई दवा नहीं है। हमारे शरीर में जो उनप रहती है, इसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब कुछ डाले हुए हैं, तो ये हमारे शरीर में अच्छी तरह से काम करते हैं। और अलग अलग की डाइटरी सप्लीमेंट्री है, जो जॉइंट केयर है और न्यूट्री आर्ट है, इजी डिटॉक्स, ये सब कुछ इस्तेमाल करवाया। अभी 4 महीने इस्तेमाल करवाया है और 4 महीने इस्तेमाल करवाने के बाद क्या फायदा हुआ आपके भाई को? मेरा छोरा चलने लग गया, खाना खाने लग गया, सब कुछ पूरा मतलब बातें अच्छी करने लग गया। अच्छा, पहले खाना भी नहीं खा पाते थे? कुछ भी नहीं था, नली से मतलब खाना सूप डालना पड़ता था। ओके, जब आप घर पे लेके आए थे तब नली से सूप डालना पड़ता था? 4 महीने तक नली से ही सूप डाला। ओके, 4 महीने तक। फिर ये पाउडर आपने कैसे दिया, नली से दिया? नहीं, उसके बाद में हाँ पाउडर जो आप घोल के नली में डालते थे। अच्छा, नली में डालते थे। और 4 महीने इस्तेमाल करने के बाद, 4 महीने इस्तेमाल करने के बाद अभी राम निकुंज जी है, रविंद्र निकुंज जी, उनका तबियत आप देख सकते हो, ये चल भी सकते हैं। आप चल के बताइए तो, रविंद्र निकुंज जी अभी चल भी सकते हैं, आप देख सकते हो, पहले चल भी नहीं सकते थे। हॉस्पिटल में 11 लाख रुपए का खर्चा किया, 11 लाख रुपए का खर्चा किया। रविंद्र निकुंज जी आप वापस आइए, देखिए इनको पैरालिसिस था, चल भी नहीं सकते थे, खाना भी नहीं खा पाते थे, और आज 4 महीने हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल किया नेचरामोर, बैठिए यहाँ पे, नेचरामोर इस्तेमाल किया जो न्यूट्रास्यूटिकल फूड सप्लीमेंट्री है और हमारी डाइटरी सप्लीमेंट्री इस्तेमाल की है इन्होंने, तो आज आप देख सकते हो कि ये कितने अच्छे हो गए हैं। पहले खाना भी नहीं खा पाते थे, आज अच्छे हो गए, एकदम हेल्दी हो गए हैं। अभी जब उनका इलाज चल रहा था, घर पे लेके आए थे, तो इनका वजन कितना था? 35 किलो। 35 किलो वजन था। अभी आप देखिए, ये 35 किलो वजन अभी नहीं लग रहा है, अभी तो लगभग 55 से 60 किलो वजन इनका हो गया है 4 महीने में। हमने जब आपको प्रोडक्ट दिया था तब हमने आपको बोला था कि 1 साल तक इस्तेमाल करना पड़ेगा। हाँ। लेकिन 4 महीने में ही ये अच्छे हो गए। तो दूसरे लोग जो बहुत बहुत अलग प्रकार की बीमारी में पीड़ित रहते हैं, उनको आपको क्या सलाह है? सर, मेरे हिसाब से तो ये जो प्रोजेक्ट है, हाँ? ये मान के चलो कि दवाइयां अपन दवाखानों में इतना पैसा खर्चा करते हैं, इतना पैसा लगाते हैं, उससे अपने को फायदा नहीं मिलता। ये आयुर्वेदिक जो चीज है, इससे इतना फायदा मिल गया है कि मेरे 11-12 लाख रुपए का इन्होंने 8-10-20 हजार रुपए मेरा भाई का पैर आज मेरा भाई तंदुरुस्त हो गया है, एकदम हेल्दी हो गया है। तो बहुत अच्छा है ये, तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है ये प्रोडक्ट। तो आप दूसरे लोगों को आप क्या सलाह देना चाहते हो? मेरी सलाह ऐसी है कि जो भी बेचारा गरीब आदमी हो, पैसा वाला भी हो, इसने उसने ये प्रोजेक्ट वापरना ही चाहिए। तो आपने ये इंटरव्यू दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।